बैक टू अवर चैनल मोर क्रिएटेबल। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि जो रिच गर्ल होती है और जो पुअर गर्ल होती है उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। और वीडियो को शुरू होने से पहले जो जो हमारे वीडियो में चीज़ें दिखाई जाएंगी वो हमने खुद बनाई है। और हाँ, अगर आपको जानना है कि हमने वो चीज़ें कैसे बनाई है तो हमारे चैनल पर वो वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, आप वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, मैं लिंक दे दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, हम जा रहे हैं वैकेशन के लिए कुल्लू मनाली। तो वहाँ पे होगी ठंड, तो हमें छुट्टियों में जाने से पहले उसकी तैयारी करनी है। तो उसके लिए हमें अपने कपड़े पैक करने होंगे। तो चलिए अपने कपड़े पैक करते हैं और सर्दियों के कपड़े भी ले लेंगे क्योंकि वहाँ पे बहुत ठंड होती है। तो चलिए पैक करते हैं। सो गाइस, ये रहा मेरा सूटकेस और अब मैं इसमें अपने क्लोथ्स डालने वाली हूँ। वैसे तो मैं ज़्यादातर फ्रॉक सी लूँगी और अपनी जैकेट्स लूँगी। हम वहाँ पे रहने वाले हैं 4 डेज़ के लिए, सो मैं इसीलिए वो 5 जोड़ी कपड़े ले रही हूँ 4 दिन के लिए और 1 जो रात में पहनने के लिए होंगे। तो आप देखिएगा मेरे क्या क्या डाला है इतने में। तो इसको खोलते हैं। तो हमने इसको खोल दिया है और ये इतनी ज़्यादा जगह है तो मैं इसमें अपने कम से कम 4-5 फ्रॉक से रखने वाली हूँ। सो सबसे पहले मैं अपना येलो फ्रॉक डालूँगी, देन उसके बाद मैं अपना ये राजस्थानी फ्रॉक डालूँगी, उसके बाद मैं ये अपनी मैरून ग्लिटरी जैकेट डालूँगी, फिर मैं अपनी ये फेवरेट जिगजैग वाली डालूँगी और फिर इसको हम ऐसे बंद कर देंगे। तो हमने इस बॉक्स को बंद कर दिया है ऑलरेडी। तो अब मैं पहले ही रेडी हो चुकी थी जिस ड्रेस में, ये जो ड्रेस है इसमें मैं इसको मैं पहन के जाऊँगी। मैं पहले ही रेडी हो चुकी थी वीडियो बनाने से पहले ही, क्योंकि मुझे पता था कि हमें जाना है और अभी 2 आवर्स लेटर हम वहाँ पर पहुँच पाएंगे। और मैं वहाँ पे थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर लूँगी, कुछ न्यू क्लोथ्स ले लूँगी। तो चलिए चलते हैं। हेलो गाइस, तो हम पहुँच चुके हैं मार्केट में। तो चलिए अपनी ड्रेसेस देखते हैं पहले। सो गाइस, मैं आपको सबसे पहले ड्रेसेस दिखा देती हूँ जो यहाँ पे टंगी हुई है और ये बहुत सुंदर सुंदर है। मैं कम से कम 3-4 तो लेने ही वाली हूँ। और अभी जैस्मिन भी आएगी, सॉरी सोफिया भी आएगी और वो अपने एक गाउन भी ले कर जाएगी। तो चलिए आप देखिए कितनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस, और आप ड्रेसेस देखिए। तो गाइस चलिए देखते हैं। तो ये वो बास्केट है जिसमें हमें अपने चूज किए हुए कपड़े रखने हैं। वाओ, ये ब्लू ड्रेस कितनी ग्लिटरी और अच्छी है और ये मेरे बालों से भी मैच कर रही है। तो एक तो मैं ये लूँगी और ये नहीं, ये कंफर्टेबल होगी, एक ये ले लूँगी, नहीं अभी नहीं। वाह, हेयर बैंड्स भी है। हेयर बैंड में एक ये पिंक वाला ले लूँगी और एक ये रेनबो वाला सोफिया के लिए। ये लॉन्ग बूट्स भी ले लेती हूँ, मैं और सोफिया दोनों पहन लेंगे। और ये, और मुझे बस यही लेना था और नहीं। तो चलिए अब निकाल के डालते हैं। अरे डल, तो मैंने अपनी फर्स्ट ड्रेस डाल दिया और देन मैंने ये चूज़ की थी तो उसको निकाल, तो मैंने ये ड्रेस भी निकाल ली है और रख दी। और एक मैं अपना ये हेयर बैंड भी ले लेती हूँ, तो मैंने अपना हेयर बैंड भी ले लिया और रख दिया है। तो मैंने जो जो चीज़ें लेनी थी मैंने ले लिया, और मैं घर जाती हूँ और सोफिया को भेज देती हूँ क्योंकि सोफिया इतनी देर से घर पर पैकिंग ही कर रही थी। तो चलिए मैं घर जा कर सोफिया को भेज देती हूँ। हाँ चलो, मैंने अपना सामान तो रख दिया। एक बार चेक कर लूँ कि सारी चीज़ें हैं या नहीं। सारी चीज़ें हैं। जाओ सोफिया, तुम भी ले आओ, नहीं तो मार्केट बंद हो जाएगी। ठीक है, मैं अभी जा रही हूँ, वैसे भी मैं ज़्यादा सामान नहीं लेने वाली। तो गाइस, मैं मार्केट में आ चुकी हूँ। ये क्या, आधी ड्रेसेस तो वही ले गई। सो गाइस, मुझे अभी अपने बालों के लिए बहुत सुंदर हेयर बैंड दिख गया है और मैं उसको ले रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया ये रेनबो वाला हेयर बैंड, और ये बहुत ही सुंदर है। और हाँ, अगर आपको ये जानना है कि हमने ये हेयर बैंड हैंगर, ये जिसमें हमने जो बास्केट में हमने अपने सेलेक्टेड क्लोथ्स रखने हैं वो सब चीज़ें कैसे बनाई है, तो वो वीडियो हमारे चैनल पे मोर क्रिएटेबल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। तो वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दबा के देख सकते हैं। और डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। सो अभी देखेंगे पुअर गर्ल को। सो गाइज, जब आप रिच गर्ल को देख रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं अपनी चीज़ें चेक कर लूँ कि कुछ मैं भूल तो नहीं गई। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ और जब मैंने चेक किया तो पता चला मैंने सिर्फ, मतलब मैंने अपने क्लोथ्स लिए, कोई एक्सेसरीज वगैरह नहीं ली। तो अभी हम मॉल जाएंगे और हेयर बैंड वगैरह एक्सेसरीज लेके आएंगे। तो चलिए चलते हैं, क्या पता मिले या नहीं मिले। मैं एक ले लूँगी, हाँ
तो चलिए चलते हैं, और कलर भी हम वहीं पे जाके डिसाइड करेंगे। तो चलिए, वैसे भी हमारे शहर में एक ही VIP मॉल है, मतलब GIP मॉल है, सॉरी। सो गाइस, मैं मॉल में आ चुकी हूँ और लगता है यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी सामान सेल होता है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये अभी बस 3 ड्रेसेस रहती है। तो मुझे अपने लिए एक ये वाला हेयर बैंड बहुत पसंद आया, क्योंकि इसमें 2 कलर्स है, मैं इसको किसी भी ड्रेस पे पहन सकती हूँ। तो चलिए अपने घर चलते हैं। अरे अरे, रुको रुको, मैं एक चीज़ तो भूल गई, अगर वहाँ पे बाई चांस पार्टी हो गई तो मैं क्या वहाँ पे फ्रॉक पहन के जाऊँगी? नो, तो चलो एक पार्टी ड्रेस लेके आते हैं। तो मैं कैसे ना कैसे करके दुकानदार से रिक्वेस्ट करके आई हूँ, क्योंकि अभी 7 o'clock हो चुके हैं और मॉल बंद होने वाला है। तो मैं जल्दी जल्दी से अपनी ड्रेस सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो मुझे देखने से पहले ही मुझे ये वाली जो ड्रेस है मुझे पसंद आ गई है, तो मैं ये लेके फटाफट से जा रही हूँ पेमेंट करके। और जो ये लॉन्ग बूट्स है ये भी मुझे पसंद आया, मैं तो ये 2 चीज़ें ले रही हूँ। तो जल्दी से अब मैं जल्दी से जा रही हूँ पेमेंट करने, और मैं आपको घर पर मिलूँगी। तो गाइस, अब मैं बहुत टायर्ड हो चुकी हूँ और घर पे आ चुकी हूँ। मैंने आपको बोला था आफ्टर 2 hours हम आपको पहुँचे मिलेंगे, और अभी 1 घंटा बीत गया है, मतलब 1.5 hours हो चुके हैं, एंड हाफ आवर बचा है हमें पहुँचने में। हमें जल्द से जल्द पहुँचना होगा। और आप सोच रहे कि अभी तो फ्लैश लाइट ऑन थी और मैंने बंद क्यों कर दी, क्योंकि जो मेरी आँखों में उसका जो स्पार्कल था वो पड़ रहा था, उसमें या कमज़ोर हो सकती थी। डोंट माइंड हाफ, वैसे भी इसकी क्वालिटी इतनी बुरी नहीं है। सो गाइस, देखिए कितना सारा सामान भी मेरा पेंडिंग पड़ा था, और इसलिए मैंने चेक कर लिया, अगर वहाँ पे जाके मुझे ख़रीदना भी पड़ता तो वहाँ पे। सो गाइस, अभी होटल में पहुँच चुके हैं, और मेरी आदत देख के आपको पता ही चल गया होगा मैं कितनी थक गई हूँ। तो अभी सोफिया होटल के चेक इन कर रही है, तो मैं तो सोने जा रही हूँ, सोफिया आके आपसे मिलेगी। अरे ये क्या, मैं इतना काम करके आई हूँ और ये आराम से सो रही है। तो गाइस, अभी रात हो चुकी है और हमें कल जाना है पार्टी में, और अभी मैं थक गई हूँ। तो हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय।